नमस्कार, इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आपके सामने कुछ नए नए मुद्दों को लेकर के आए, और आज जब आपने कल पॉलिटिकल डिबेट देखे थे तो आज मैं थोड़ा उससे अलग हट करके दूसरा डिबेट आपके सामने ला रहा हूं, और वो डिबेट बहुत ही रोचक होने वाला है, चर्चा होने वाली है। डिबेट क्या है? चर्चा होगी क्वीन विक्टोरिया की, चर्चा होगी भारत के गुलामी की, चर्चा होगी गुलामी के चिन्हों को, गुलामी की छाप को आज तक हमारा देश क्यों बनाए हुए है, और इस छाप से, इस चिन्ह से हमें आखिर हासिल क्या होता है? क्या ये कि हम बार 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 खुद को याद दिलाते रहें कि तुम कभी गुलाम थे और तुम्हारे ऊपर बर्बरता की, यातनाओं की सारी पराकाष्ठा पार कर दी गई थी और तुम्हारा शोषण हुआ था? और आज अगर कोई व्यक्ति उस पहचान को, उस गुलामी की पहचान को मिटाना चाहता है, हटाना चाहता है, सवाल पूछता है, तो आप हैरान हो जाएंगे, उस व्यक्ति के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चलता है, लग जाते हैं, और उन्हें यह कहा जाने लगता है कि तुम हत्यारा हो, क्योंकि तुम गुलामी के प्रतीक को, तुम गुलामी के प्रतीक को हटाना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, और तुम गुलामी के प्रतीक की हत्या कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का, हत्या करने का मुकदमा चलाया जाएगा। आज मैं आपको ऐसे वीर योद्धा से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगाकर भारत की गुलामी के प्रतीक को मिटाने का, भारत की गुलामी के प्रतीक को नष्ट नाबूद करने का प्रण लिया, और आज उनके ऊपर, वो मिटाना चाहते थे, वो सवाल करना चाहते थे, वो पूछना चाहते थे, लेकिन आज उनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। आज ऐसे सूरमा से हम आपको मिलाना चाहते हैं, तो स्वागत कीजिए हमारे जाबाज सूरमा अरविंद त्यागी जी का। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद भाई, बहुत स्वागत है अरविंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तकनीकी रूप से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमारे साथ और मेहमान हैं, वीरेंद्र त्यागी जी। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? वीरेंद्र जी, जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। वीरेंद्र जी, अगर आप बोल सके कि ये जो पूरा वाकया था, ये जो घटना हुई है, ये घटना क्या थी, और कैसे अरविंद त्यागी जी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है? देखिए, हम उस विषय को जब याद करते हैं कि 2014 का समय था, अगस्त महीने का, और अगस्त महीने में ये पता चला कि हमारे दो मित्र अरविंद त्यागी और इनके ही फरीदाबाद के साथी हैं रिंकू भाई, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है इस आरोप में कि उन्होंने जो है मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, और उन पर धारा 302 के खिलाफ के तहत FIR भी करवाई गई है। तो अरविंद जी जो है और रिंकू जी, इन दोनों का जब न्यूज में, मीडिया में आने लगा, और इनके ऊपर जो पुलिस ने जो है अत्याचार भी करने शुरू किए, तब हमें समझ में आने लगा। तो हमने आंदोलन उसके लिए किया, बहुत सारे साथी मथुरा भी गए, इनके सपोर्ट में गए। तो ये पूरा प्रकरण बहुत उछला था उस समय, और मैं ये बताना चाहूंगा कि संसद के, ब्रिटेन की संसद तक ये मुद्दा उछला था, क्योंकि उनके लिए जो है इस प्रकार का प्रकरण उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने शायद वहां से प्रेशर आया होगा, कि वो प्रेशर इतना जबरदस्त था कि इनके ऊपर धारा 302 लगाई गई, जिससे कि कोई और
किसी प्रकार का विरोध यदि गुलामी का करना चाहे, विषय यह नहीं है कि इन्होंने तोड़ा या नहीं तोड़ा, विषय यह है कि कोई गुलामी की निशानियों का विरोध यदि करे तो उनके ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि दोबारा कोई वैसा करने की हिम्मत ना करे। तो वो उदाहरण सेट करने के लिए इनको कई दिन जेल में भी रखा गया और अभी तक जो है वो मुकदमा चल भी रहा है। आपके मन में ये कैसे विचार आया कि ये इस मूर्ति को क्षति पहुंचाई जाए, या आपने सोचा, आपने पहुंचाई नहीं पहुंचाई वो अलग विषय है, लेकिन ये क्या मन में विचार आया था विक्टोरिया की प्रतिमा को लेकर के? देखिए, वास्तव में विक्टोरिया की प्रतिमा से कोई हमारा व्यक्तिगत द्वेष तो था नहीं, लेकिन हमें बहकाया जाता था कि देश आजाद है और आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। इस भुलैया को झेलते झेलते बहुत सी सारी चीजें सुनते सुनते एक लंबा दौर गुजर गया था। फिर हमने देखा कि आज भी हम जो हमारे महानायक हैं वो उनकी मूर्तियां धूल खा रही हैं, लेकिन जो जिन्होंने हमें गुलाम बनाया वो उनकी मूर्तियों को साजा समाया जा रहा है, और उनके उनके काले कानून देश में आज भी चल रहे हैं, उनकी भाषा गुलामी हम ले रहे हैं, उनकी शिक्षा की गुलामी को हम झेल रहे हैं, उनकी भैंसक की गुलामी को हम लोग झेल रहे हैं, और हम लोग उनके भोजन तक की गुलामी को झेल रहे हैं। तो ऐसी गुलामी से बाहर आने के फिर हमने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये जो है सरकार के पास प्रस्ताव पत्र वगैरह भेजे, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसका हमने सार्वजनिक विरोध किया तो फिर हमारे साथ में ये कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हो गई।